हमारे गांव करदहा में जो मंदिर था और राजा जी की कोठी थी, और एक भाई लोगों ने मेरे कमेंट किया था मेरे वीडियो पे कि आखिर ये स्थान कहाँ पे है, आपने पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं दी है। तो मैं आज उसी इन्फॉर्मेशन को पूरा करने के लिए यहाँ पे फिर से आया हूँ। और यहाँ पे आप तो उससे अच्छा सब कुछ हो चुका है, क्योंकि जैसा कि आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा कि आखिर यहाँ पे क्या चेंजेज हुए हैं और क्या यहाँ पे बदलाव हुआ है, आखिर इतना रहस्यपूर्ण जो मंदिर है वो कैसे, इसकी स्थापना हुई थी, किसके द्वारा हुई थी। और अभी जहाँ तक कि पता होगा आप सभी को, यहाँ पे डीएम साहिबा आई थी, वो भी राजा जी के बेटे के कहने पे यहाँ पे आई थी, और यहाँ पे कुछ काम ऐसे थे जो कि करना अनिवार्य था, तो वो करके भी गई। और साथ में राजा जी की जो कोठी है, यहाँ पे मंदिर जो भव्य बना हुआ है प्योर संगमरमर का, उसमें ना कहीं ईंट पिरोई गई थी और ना कहीं पे मसाला, कोई सीमेंट का मसाला कोई भी यूज नहीं किया गया था। तो आज फिर से मैं उसी तरफ आप लोगों को ले चल रहा हूँ, और वहाँ की पूरी जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल बॉर्डर पे साई नदी के किनारे शिव मंदिर और राजा जी की कोठी का पूरा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही में आपको यहाँ की और भी अद्भुत चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही रहस्यपूर्ण है, क्योंकि ये जानते भी हैं आप लोगों कि यहाँ पे ये 500 साल पुराना मंदिर, आखिर इतना पुराना मंदिर है तो यहाँ के रहस्य भी बहुत पुराने हो सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देखिए, घूमिए, अच्छी चीज़ें हैं और बहुत अच्छा लगेगा आपको भी, क्योंकि यहाँ से राजा जी सब भ्रमण करते थे, हर एक एरिया का भ्रमण किया जाता था। तो आइए और देखिए। और मैंने आज जहाँ तक बता दिया है कि यहाँ पर का जो एड्रेस है वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल लास्ट में पड़ता है, करदहा गांव, वहीं पर ये निर्माण हुआ है मंदिर और साथ में राजा जी की कोठी का। अब यहाँ पे जो चेंजेज हुए हैं, यानी कि बदलाव हुए हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा, जैसा कि यहाँ की डेंटिंग पेंटिंग और दीवाले और जो 12 दरी वगैरह बनी रहती थी पहले की, वो भी आज भी यहाँ पे अभी बनवाई गई है, जल्द ही उन्हें रिपेयर करवाया गया है। तो चलिए देखते हैं मंदिर का पूरा नज़ारा और राजा जी की कोठी का पूरा नज़ारा, और कैसे यहाँ पे 7 कुएं थे, 7 कुएं में केवल एक कुआं बचा हुआ है, बाकी सारे कुएं विलुप्त हो गए हैं। एक कुआं मैं आपको, आप इससे पहले वाले वीडियो पे देखा ही होगा, और उसका आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो आई बटन पे जाके लिंक पे जाके कर लीजिए, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, यहाँ का जो निर्माण कार्य था और सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखाया है वीडियो में। और यहाँ की जो सबसे प्राचीन और सबसे स्पेशल चीज़ है वो है यही मंदिर। इसमें आपको दिखा देता हूँ मैं कि यहाँ पे जो पत्थर लगा हुआ है, इस पर ना कहीं मसाला यूज किया गया है, ना कहीं एक भी ईंट का प्रयोग किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ संगमरमर के मंदिर से ही बना हुआ है। और जैसा कि मैंने फिर से मैं रिपीट किया दे रहा हूँ, जो भाई ने मेरे में कमेंट किया था कि आखिर ये कहाँ पे है और आपने कुछ एड्रेस नहीं बताया, तो मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ कि ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में करदहा ग्राम पे है। ये यहाँ पे पूरा निर्मित है और विख्यात है मंदिर। यहाँ से आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि राजा जी का जो संगमरमर वाला मंदिर है वो कहाँ पे स्थापित है, तो आपको सभी लोग रास्ता अच्छे से बता देंगे। बिल्कुल नदी के जस्ट किनारे पड़ता है और आप
आपको इससे पाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बिल्कुल सरल है। तो मैं इसको फिर से एक बार और दिखा दे रहा हूँ। तो जैसा कि ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल पत्थर ही लगा हुआ है, इसमें ना कहीं जॉइंट पे कुछ मसाला है और ना कहीं ईंट प्रयोग किया गया है, तो देख सकते हैं इसे। ये स्थापित है यहाँ पे, और साथ में गणेश जी और भी मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित हैं जो कि बहुत ही भिन्न है। इस बात ये भी है कि ये मंदिर ऊपर आने के लिए ही सिर्फ चार दरवाजे बनाए हुए हैं, चार जीने बने हुए हैं, और उनको मैं दिखाई दे रहा हूँ। जैसा कि पहला ये जीना बना हुआ है, और इसके अंदर जाके देखिएगा, यहाँ अंदर से दीवार उठ गई है, तो ये रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है राजा जी के बाद का। और फिर एक रास्ता वो है, और उसी के जस्ट बाद आपको ये दिखाई दे रहे हैं, तीसरा रास्ता ये है जिससे लोग आते जाते रहते हैं, परमानेंट यहाँ आया जाया करते थे। और यहाँ पे ये देखिए, सब डेंटिंग पेंटिंग का सब कार्य हुआ है, काफ़ी सारा कार्य हुआ है जो कि, और राजा जी की कोठी भी का पूरा निर्माण किया गया है, जैसे कि बारह दरी बहुत अच्छी बनवा दी गई है, साथ में डेंटिंग पेंटिंग भी हुआ है। और ये देखिए, ये चौथा दरवाज़ा है जिससे अभी हम लोग नीचे चलेंगे। अभी मैं वहाँ से आया था और इस दरवाजे से मैं जाने वाला हूँ फिर से नीचे, और इसके बाद आपको दिखाता हूँ बारह दरी और साथ में राजा जी की कोठी में जो भी नव निर्माण हुआ है उसका भी मैं सीन दिखा रहा हूँ। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये देखिए दीवार नहीं बनी हुई है, ये बारह दरी की दीवारें हैं, ये सारी बारह दरी की दीवारें हैं, और यहाँ पे छत भी पड़ गई है। और ये राजा जी के महल का है, इसके ऊपर जो है राजा जी की स्मृति भी बनी हुई है, लेकिन वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाता क्योंकि इतनी ऊँची सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई है वहाँ पर, और ना कोई जीना बना हुआ है। तो इसके लिए वो दिखाने के लिए मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि इससे पहले एक बार सीढ़ी लगी हुई थी, वहाँ लोग गए थे, देखा था राजा जी का जो चित्र बना हुआ है वो भी बना हुआ है अभी तक, और वो अभी मैं दिखाने में असमर्थ हूँ क्योंकि वहाँ तक सीढ़ियाँ जा नहीं सकती। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या निर्माण हुआ है। अभी हम इस जीना से नीचे उतर रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि बाहर का नज़ारा मंदिर के। ये देखिए, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ डेंटिंग पेंटिंग जो मैंने बताया था ये बहुत अच्छे से हुआ है।
तो ये थी पहले की 12 दरी और अब इसका निर्माण जो है अच्छे से रिपेयर किया गया है और साथ ही में ये भी रिपेयर किया गया है पूरा, और पेंट वगैरह डेंटिंग पेंटिंग सारा सब कुछ अभी नया ही हुआ है। इससे पहले कि यहाँ पे बाग बगीचे भी और अच्छे हो चुके हैं 12 दरी, और साथ में अभी आपको मिलेगा वही वाला कुआं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये कुआं है जो कि एक ही कुआं बचा है। इसके पहले के सारे कुएं जो है वो मिट्टी में तब्दील हो चुके हैं, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आपको 12 दरी और साथ में जहाँ पे बाहर लोग आते थे ये जैसे स्थान बना हुआ है, काफ़ी अंधेरा हो चुका था, इस वजह से हम लोगों ने तुरंत शूट करके लौट आए। और ये आप अगर आपको अच्छे से देखना है तो मेरे पहले वाले वीडियो पे जाके देख सकते हैं, और मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इसके बाद आपको और भी चीज़ें हैं जो दिखाने वाले हैं, जैसे कि ये राजा जी का मेन गेट हो गया, और इसके बाहर का जो है वो भी पेंटिंग वगैरह सब इसकी हुई है, मरम्मत हुई है, तो उसे भी मैं दिखाने जा रहा हूँ। चलिए आगे और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जैसे कि पूरा रात का सीन है शाम मीटिंग का, और ये देखिए डेंटिंग पेंटिंग बढ़िया हो चुका है। अब यहाँ पर जाने में बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि यहाँ का नज़ारा ही कुछ और हो चुका है। और फिर मैं इसका एड्रेस दोहराया दे रहा हूँ, ये उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के करदहा गांव में नदी के किनारे, साई नदी के किनारे स्थापित है मंदिर और राजा जी की कोठी। तो अगर आपको अभी तक इसकी जानकारी परिपूर्ण मिल चुकी हो तो मेरे वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा। तो चलते हैं, टाटा बाय बाय।